पंजाब में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा एक मामला खन्ना के समराला थाना में सामने आया है, जहां पर गांव डोडरपुर में कांग्रेस पंच पर अपने दलित दोस्त को ही 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची से रेप करने के मामला समराला थाना में दर्ज किया गया था। आलम यह है कि पीड़ित को इंसाफ दिलवाने के लिए परिजनों सहित दलित समाज की संस्थाओं की खन्ना में एसएसपी दफ्तर के बाहर धरना लगाना पड़ रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जानबूझकर मामले में डील बरतने का आरोप भी लगाया और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मेरी लड़की 13 साल की थी, उसका रेप किया गया है। 42 साल का मुंडा जी, वो मेरा यार दोस्त घर आता उन्हें मेरे ना यार मार की, उन्होंने तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मेरी तो सरकार को यही अपील है। समराला जाम करांगे, थाने नूं लावांगे, जिंदा जिहड़ा कुछ हुंदा चाहे मरीए चाहे रहीए, असीं इंसाफ मंगदे हां जी। बस मैटर यह है जी, जिस तरह पंजाब दे विच एससी समाज दे नाल लगातार धक्का हो रहा, उस तरह ही एक 13 साल की माइनर बच्ची सी पिंड टोडरपुर तहसील समराला जिला लुधियाना दी, उहदे नाल एक कबड्डी प्लेयर है 42 साल का, उहने उहदे नाल रेप किया। और बड़ी शर्म की गल यह है भी रेप करन तों बाद 9 तरीक नूं परचा दर्ज हो गया, 9-3